नमस्कार दोस्तों, DLX9 में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल DLX9 सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर दबाएं, नए बिजनेस वीडियोज का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको घर से बिजनेस करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको घर बैठे या कंपनी में बैठे हुए बिजनेस कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दुकानदार को रिक्वेस्ट करने जाते हैं या उधार माल बेचते हैं, इन सब झंझटों को दूर करें। मैं आज एक ऐसा साइट बताने जा रहा हूँ जिसपे आप घर बैठे ही बिजनेस कर सकते हैं। यह बिजनेस साइट है ही, बिजनेस टू बिजनेस साइट ही है। इसमें आप कस्टमर को नहीं बेच सकते, आप बिजनेस से बिजनेस को ही बेच सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में टाइप करें www.indiamart.com, उसके बाद से एंटर दबाएं। आपके पास ऐसे एक पेज खुल के आ जाएगा इंडिया मार्ट का। फिर आपकी जो दाएं साइड में है सेल ऑन इंडिया मार्ट, उस पर क्लिक करें। उसके बाद से आपके पास एक ऐसा टैब बन के खुलेगा, इसमें जो भी भरना है, नेम, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर सब डाल दें। सब डालने के बाद से सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को इस जो टैब खुला है इसमें डालेंगे। जो भी OTP आया हो वो इसमें डाल के वेरीफाई पे क्लिक करें। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद से आपके पास एक ऐसा पेज भर आ जाएगा जिसे आपको फिल करना है। आप इसको भरने के बाद से सबसे नीचे वो सेव डिटेल दिया है, उस पर क्लिक करें। सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद से आपके प्रोडक्ट डिटेल्स आता है। आप जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उन सबको भरें। एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक ही भरें, दो तो दो। उसके बाद से सेव डिटेल पर फिर से क्लिक करें। आपका तैयार हो चुका है पेज। आपके पास कुछ देर बाद इंडिया मार्ट के द्वारा कॉल भी आएंगी। आपके पास जो प्रोडक्ट का फ़ोटो है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। आपके पास जो भी इंक्वायरी आएगी वो जो बाएं साइड में डैशबोर्ड दिया है इसमें सब आएगा। अपना प्रोफाइल भी आप अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद एक अलग भी साइट है tradeindia.com पे, उस पर भी जाके आप ऐसा साइट बना सकते हैं। जब आप किसी भी B2B साइट जैसे ट्रेडमार्क या इंडिया मार्ट पे अपना डिटेल अपडेट कर देते हैं तो आपको कुछ करना नहीं होता है। जैसे कोई बायर गूगल पे सर्च करता है या इंडिया मार्ट पे भी सर्च करता है या ट्रेड इंडिया पे ही सर्च करता है, तो उसकी इंक्वायरी आपके पास इंडिया मार्ट के द्वारा ही आती है। आपको SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा या कॉल के भी द्वारा सूचित किया जाएगा और डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी उस बायर को मुहैया करा दिया जाता है, जो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, या जो बायर है उसका भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया कर दिया जाता है जिससे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।